दोस्तों अभी मैं मायापुर इस्कॉन मंदिर में आई हूँ और यहाँ से मैं भक्ति विनोद ठाकुर के भजन कुटीर में आई हूँ। यहाँ पर मैं आपको उनके बारे में कुछ बातें बताऊंगी और यहाँ पर भजन कीर्तन होगा। हम लोग भजन कीर्तन किए, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। उनका घर दिखाएंगे जहाँ पर बैठ के भक्ति विनोद ठाकुर पुस्तकें लिखते थे और भजन करते थे। सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री केदारनाथ दत्त, जिन्हें बाद में भक्ति विनोद ठाकुर के नाम से जाने जाना लगा, और उनका जन्म 2 सितंबर 1838 को उला नदिया जिले में स्थित बीरनगर के प्राचीन गांव में हुआ था। केदारनाथ का जन्म अमीर और शानदार माता पिता श्री आनंद चंद्र दत्ता और जगत मोहिनी देवी से हुआ था। अपनी पुस्तक दत्त वंशमाला में श्री भक्ति विनोद बताते हैं कि उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो पुरुषोत्तम दत्त के वंशज थे, जो 5 प्रसिद्ध कायस्थ के में सबसे प्रमुख थे, जो राजा आदिशूर के निमंत्रण पर गौरा क्षेत्र में आए थे। उनके परिवार का वंश है महान वैष्णव आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर के जन्म से भी गौरवान्वित है, जिनकी भक्ति रचनाएं तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। चलिए उनके बारे में कुछ हम लोग जानते हैं। यहाँ पर जो लोग पहले से रहते हैं और कुछ कीर्तन डांस भी यहाँ पर होगा। তারপরে মামার বাড়িতে প্রথম থেকে প্রথম থেকে বলি বীরনগর মামার বাড়ি ওনার ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের সেখানে মানুষ মানুষ হওয়ার পরে ইয়ে পাস করেছিল সে আমি তো মুক্তি বেরোবো না বিএসসি না কি বলে যে ওইটা পাস করেছে পাস করার পরে উনি সব জায়গায় চাকরি করেছে চাকরির পরে উনি বিয়ে করেছেন বিয়ে করে 9 ছেলে হয়েছে একটা বউ মরে গেছে তারপর ভগবতী দেবীর সঙ্গে বিয়ে করে 9 ছেলেপেলে হয়েছে 9 ছেলেপেলের পরে তারপরে ভজন করেছেন ভজন করে ওই সুরভিকুঞ্জে ওখানে সংসার জীবনে ভজন করেছেন করে ওখান থেকে উনি চলে এসেছেন এই ভজন কুটিরে ভজন কুটিরে ভজন করে উনি সিদ্ধি লাভ করেছেন করে এই সব আমাদের জন্য করে দিয়েছেন ওরে খুব বলতে পারবো না আমি আর বলতে পারি আমার এখন শরীর ভালো নয় দম থেকে যায় কথা বলতে হয় অনেক জ্বালা আমার এখন चलिए उनका भजन कुटीर अभी आप लोगों को घुमा के दिखाती हूँ मैं। बहुत ही सुंदर है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे तुलसी जी लगे हुए हैं और उनका मंदिर है। अभी मैं आपको उनका घर भी दिखाऊंगी जो सीढ़ी से ऊपर जाके देखना होता है।
हम लोग के संकीर्तन हो रहा है। और देखिए ये उनका घर है, यहाँ पर वो रहते थे। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं और भी मायापुर के बहुत सारे वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।